हमारा चैनल एसपी सन्स में आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, ये है टिकट। तो गाइज हम चल रहे हैं अंदर धीरे धीरे, आप भी देखिए। तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। पूरा पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हम आपको कहाँ लेकर आए हैं। आज का वीडियो हमारा ब्लॉग टाइप में बनने वाला है। अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए आप लोग घर पे रहते हैं तो आपको कहीं जाने का मन होता है लेकिन आप लोग जा नहीं पाते हैं, तो आप लोग के वजह से हम इतने प्यारा प्यारा जगह का विजिट करते हैं कि आप लोग घर पे इंटरटेनमेंट कर सके। तो चलिए हम आपको इंटरटेनमेंट करने के लिए अंदर तक लेके चलते हैं। तो गाइज अभी हम इंटर कर रहे हैं। तो गाइज हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, आज हमारा वीडियो व्लॉग टाइप का बन रहा है क्योंकि हमारे पास कोई कैमरामैन नहीं होने की वजह से आज हम व्लॉग टाइप में वीडियो बना रहे हैं। तो आप देखिए, आप वीडियो को देखिए अंत तक और वीडियो का मजा लीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ एक बोलते हैं ना वन मानुष टाइप का, जो आदिवासी थे पहले के, उस तरीका का एक विजन क्रिएट किया गया है। ये नीचे आग तप रही है, आग के ऊपर मछली पका रही है। ये उनकी वाइफ है और उनका हस्बैंड वो है और दो बच्चे हैं। बच्चे को देखिए और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हम भी एक समय में इसी तरह के आदिवासी जीवन जीते थे, तो उससे एज इट इज उसी तरह का एक विजन क्रिएट किया गया है। वहाँ पे पेंगुइन्स अपना खड़े हैं, वहाँ पे बर्फीला इलाका बनाया गया है। यहाँ पे कंगारू देखिए, कंगारू के पेट में एक छोटा सा नन्ना सा पिल्ला भी है। देखिए ये पूरा रोबोटिक है दोस्तों, इसीलिए इस एग्जीबिशन का नाम रोबोटिक एग्जीबिशन रखा गया है। यहाँ पूरा सभी रोबोटिक है। वहाँ पे मोर है, देखिए मोर का मूवमेंट भी बहुत बढ़िया है। तो मोर ने अपना पंख पूरा फैला रखा है। ये जिराफ है, जिराफ घास खाते हुए, देखिए देखिए गाइस मोर, बहुत ही बेहतरीन रोबोटिक कला है। सिंह जिसे बोलते हैं, जंगल के राजा, टाइगर, शेर, आप कुछ भी कह लीजिए, असल में ये शेर है जो जंगल का राजा होता है। इसका दहाड़ भी आप सुन सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त, कई कोसों दूर तक इनका दहाड़ सुनाई पड़ता है। गाइस आपने अपना लाइफ में इतना बड़ा कभी तोता नहीं देखा होगा, देखिए रोबोटिक तोता ये। ये है जिराफ दोस्तों, देखिए बहुत ही लंबा जबरदस्त जिराफ। और ये हमारा शेर, टाइगर, देखिए वाह, बड़ा ही जबरदस्त। वाकई रोबोटिक जो है, हम सब रोबोटिक चीजें देख रहे हैं। नीचे घास फूस पल्ला लगाया गया है। ये पूरा किंग कॉन्ग मूवी के स्टाइल में अपना छाती में दोनों हाथ कर रहा है। देखिए छाती में दोनों हाथ जबरदस्त तरीका से पीट रहा है और आवाज भी बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे डायनासोर है, देखिए डायनासोर, आपने रियल लाइफ में तो कभी इसका अनुभव नहीं कर सकते लेकिन डायनासोर यहाँ रोबोटिक बनाया हुआ है। इतने वाकई में डायनासोर इतने बड़े होते थे या नहीं होते थे ये तो हमें पता नहीं, लेकिन एक एनिमेशन से इतना बड़ा डायनासोर को बनाया गया। देखिए दांत बड़ा है, नीचे तक देखिए डायनासोर यहाँ तक है। और यहाँ पे कुछ हिरन्स हैं दोस्तों, यहाँ पे हिरन है, तोता ऊपर बैठे हुए हैं, वहाँ पे हिरन का सिंह बहुत बड़ा बड़ा है दोस्तों। हिरन का सिंह देखिए दोस्तों, यहाँ पे हाथी, हाथी पानी
पानी पीते हुए। देखिए दोस्तों, हाथी अपना पानी पी रहा है सूर से, वो पानी उठाया अभी। हम आ गए कपड़ों के एग्जीबिशन में, ये पूरा यहाँ पे कपड़े लगते हैं। तो चलिए हम आपको पूरा कपड़ों का एग्जीबिशन और पूरा कपड़ों जितना भी कपड़ों का मेला लगा हुआ है दिखाता हूँ। ये पूरा यहाँ पे फिक्स्ड रेट लिखा हुआ है दोस्तों, ये लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, पूरा सब कुछ इस एग्जीबिशन में रखा गया है। ये चीज़ हम सबसे पहला अभी बहुत ही पहली बार देख रहा हूँ दोस्तों, किसी एग्जीबिशन में इतना बड़ा बड़ा पलंग, चारपाई, जो भी आप बोल सकते हैं। देखिए एक या दो किस्म का नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे मैट्रेस बेड का जो सेल लगा हुआ है पूरा देख सकते हैं आप, मेगा ऑफर सेल बोल रहा है, 50% का डिस्काउंट इन्होंने रखा है। स्लिपवे की तरफ से इनका शायद कुछ ब्रांडिंग हो रहा है। ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है दोस्तों, देखिए इतना बड़ा पलंग या चारपाई जो भी आप बोल सकते हैं, ये पूरा मैट्रेस है दोस्तों ऊपर लगा हुआ है। ये बेड है, स्लिपवे की तरफ से ये बेड मैट्रेस सेल है, राउंड बेड भी बोल सकते हैं। देखिए दूर से भी इसका लुक हम दिखाते हैं, बड़ा बहुत शानदार लग रहा है। हमने तो इस तरह का अनुभव सबसे पहला बार कर रहे हैं, क्योंकि किसी एग्जीबिशन में इस तरह का सेल हम पहली बार देख रहे हैं, तो आपको भी दिखा रहे हैं। आप भी देखिए यहीं पे बना रहे हैं ये गोल गोल तरीका से, आप से जो बोल सकते हैं बोलिए, हम तो कैंडी बोलते हैं, कॉटन कैंडी बोला जाता है इसे। ये भैया यहाँ पे कटर का सेल कर रहे हैं, सब्जी काटने वाला। तो देखिए तरह तरह का सब्जी इन्होंने काट के रखा हुआ है। यहाँ आलू का देखिए डिज़ाइन बहुत बढ़िया तरीका से है, हमने उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। भिंडी काट रहे, देखिए भैया भिंडी काट रहे हैं। ये इनका 100 रुपीज़ कॉस्ट है। जैसे हमने थोड़ा रिक्वेस्ट किया है कि आलू का डिज़ाइन कैसा कट रहा है एक बार दिखाने के लिए, देखिए ये 100 रुपीज़। देखिए बड़ा ज़बरदस्त आलू का डिज़ाइन है। ये कौन सा कंपनी का है भैया? हेडशीट कंपनी का है, तो आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। एग्जीबिशन आए तो एग्जीबिशन में इनका अलावा आपको क्या मिल सकता है, लेडीज़ का आइटम सबसे ज़्यादा ही मिलता है। तो अंकल से हम थोड़ा बात करेंगे। तो अंकल जी, ये शादी ब्याह में अगर ये सब रखे तो आप लेके आते पूरा से पूरा सेट आप लेके आते शादी ब्याह में? इधर देख के थोड़ा बोल दीजिए, लेके आते ना? हाँ ठीक। तो अंकल का कहना है कि कभी भी अगर शादी ब्याह में अगर आपको इस तरीका का डेकोरेशन चाहिए तो आप अंकल अरेंजमेंट कर देंगे पूरा। ये पूरा बैंगल्स सेट है दोस्तों, बैंगल्स नेकलेस, पूरा लेडीज आइटम इन्होंने रखा हुआ है, खातून बैंगल्स स्टोर। ये पूरा जयपुरी बैंगल्स है दोस्तों, इन्होंने भैया वहाँ मेंशन भी किया हुआ है जयपुरी बैंगल्स। भैया एग्जीबिशन में देखिए इतना सारा किस्म का स्वीट आपको खाने के बाद खा सकते हैं, लेकिन एक तरह का नहीं है। ये कितना तरह का है भैया यहाँ? हाँ भैया का कहना है यहाँ 60 से 70 तरह के अलग अलग वैरायटीज़ के, जिसे मोहरी बोलते हैं कुछ आप बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको आप? मीठा सौप, सौप कुलतव, सब मिक्स, सब मिक्स है। देखिए ये पूरा आपका पिकल्स है, ये शायद मिर्ची है ना ये? हाँ ये कश्मीरी मिर्ची है। ये क्या है? राजस्थान केयर रहेगा। ये राजस्थान केयर, राजस्थानी केयर। और ये नींबू मैंगू रहेगा, रेड चिली मैंगू रहेगा, गार्लिक रेड चिली में रहेगा, मैंगू रहेगा। देखिए दोस्तों लगभग इनके पास 50 से 60 तरीके का पिकल रखा हुआ है।
ये इनका है श्री सिद्धि विनायक जयपुरी। एक नया तरीका का गेम हमने देखा है दोस्तों, क्या है भैया ये गेम? क्या है? मटकी गेम। मटकी में इसमें क्या है गेम में? बॉल डालना है। कहाँ पे? वो नीचे मटकी रखा हुआ है, उसमें बॉल डालना है। वो चीनी मिट्टी का मटकी है और ये प्लास्टिक बॉल्स है। कितने बॉल्स डालना है मटकी में? थ्री बॉल्स। आप कितना बॉल देंगे? आप कितना बॉल? आप तो 3 बॉल्स डालना पड़ेगा दोस्तों। अगर 3 बॉल्स आपने सक्सेसफुली अगर इंटर कर लिया है उस मटकी में, तो आपको यहाँ पे आपका मन पसंदीदा जो भी हो आपको गिफ्ट मिल जाएगा। हाई कर देना भैया। यहाँ पे गाइस तीरंदाजी हो रही है, तीरबाजी। तो हम चल के देखते हैं कौन सा तीर चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे तीरबाजी हो रही है। ये इन्होंने दे दिया उनको तीर और इनको लगाना है निशाना एकदम सेंटर पे। तो चलिए देखते हैं इनका निशाना सटीक बैठता है या नहीं। इन्होंने उठा लिया है कमान, अब चला दिया है। परफेक्ट निशाना इनका लगभग। जब ये बाइक है वहाँ पे स्कूटर है, कार है, वहाँ पे राइड लगा हुआ है। तो गाइज ये बोटिंग है बच्चा लोग का, देखिए ज़बरदस्त बोटिंग कर रहे हैं पूरे बच्चे लोग, बड़े प्यार से खेल रहे हैं। ज़्यादा पानी इसमें नहीं होता है, जस्ट आप देख सकते हैं वो भैया के पैर के नीचे तक ही पानी है, उतना पानी नहीं है। अगर एक बच्चा अगर इसमें गिर भी गया तो कोई उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि जस्ट इसमें 6 इंच तक ही पानी रखा गया है सेफ्टी के पर्पज़ से। देखिए आप देख सकते हैं भैया के पैर देखकर आप समझ सकते हैं कि 6 इंच से ज़्यादा इसमें पानी नहीं है। जबरदस्त फीलिंग दोस्तों, जबरदस्त। देखिए बहुत मजा आ रहा है।